Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update. हेलो फ्रेंड्स एंड डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड क्लास 10th. फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार. सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर. फ्रेंड्स इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा दसवीं के वैसे स्टूडेंट्स जो आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए जैसा कि आप सभी को जानकारी होगा बिहार बोर्ड ने मॉडल सेट जारी कर दिया है. तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइंस के मॉडल सेट से प्रश्न संख्या 26 से लेकर 50 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बताऊँगा. पार्ट वन वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बता दिया हूं. फिलहाल इस वीडियो में जो पार्ट 2 ये वीडियो है इसमें 26 से 50 का उत्तर बताऊंगा. इसी प्रकार से आपको जो नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस बच जाएंगे उसका भी पार्ट 3 वीडियो में आंसर बता दिया जाएगा. तो इससे पहले थोड़ा आप पैटर्न समझ लीजिए. आपका जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें आपको केवल 40 प्रश्नों का उत्तर देना है. प्रत्येक प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव का जो होगा वो एक नंबर होगा. तो 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव हो गया. अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न जो आएगा उसकी संख्या 24 रहेगी जिसमें आपको 8-8 प्रश्न फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से रहेंगे जिसमें केवल आपको 4-4 प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक सेक्शन से देना होगा. तो 4-4 प्रश्नों का उत्तर देना है जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे. तो इस तरह से 12 क्वेश्चन का आपका हो गया 24 नंबर. और इसी प्रकार देखिए 6 जो प्रश्न रहेगा वो आपका दीर्घ उत्तरीय रहेगा जिसमें फिजिक्स का जो क्वेश्चन रहेगा देखिए 2-2 क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा. तो आपका फिजिक्स का होगा 6 नंबर का और बाकी केमिस्ट्री और बायो का जो होगा वो 5-5 नंबर का. तो 6, 10, 16 हो जाएगा 16, 24, 40 और 40 80 नंबर का आपका जो है एग्जाम होगा. और आप लोगों को पता होगा साइंस में 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है तो 80 का ही आपका थ्योरी पेपर का एग्जाम होगा. तो चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखते हैं. तो यहाँ पे मैंने लास्ट वन क्वेश्चन जो बताया था 25 नंबर क्वेश्चन कि जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है. तो आपको मैंने बता दिया था यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है. तो ये CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड. सी इसका उत्तर हो जाएगा. अब देखते हैं 26 नंबर प्रश्न शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है. तो शरीर में भोजन का जो पचना है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. जब आप सांस लेते हैं इसका मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. तो किसी भी वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है तो वो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है. तो उपचयन इसको हिंदी में कहते हैं. तो उपचयन जो है अभिक्रिया हो जाएगा जिसको आप ऑक्सीकरण भी कहते हैं. तो इसका आंसर ए हो जाएगा. 27 नंबर प्रश्न है कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है. देखिए इस कली चूना का जो अनुसूत्र होता है वो होता है CaO और इसमें जब आप जल डालेंगे मतलब H2O डालेंगे तो ये जो बनेगा आपका देखिए CaOH2 जिसको आप भाखड़ा चूना कहते हैं और इसमें जो है गैस उत्सर्जित होती है ऊष्मा उत्सर्जित होती है इसलिए उसको कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया. जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो उसको ऊष्माक्षेपी और जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो उसको ऊष्माशोषी कहते हैं. तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है. ये इसका उत्तर हो जाएगा. 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है. तो देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो धातु है ये है कॉपर. कॉपर के बाद आता है मरकरी उसके बाद आता है सिल्वर उसके बाद आता है गोल्ड अर्थात सोना. तो ये एक तरह से ऑर्डर ही है CU उसके बाद आता है HG ये आपको ऑर्डर याद रखना है HG फिर उसके बाद आता है AG और उसके बाद आता है AU. मतलब इन चारों में सबसे कम अभिक्रियाशील जो है वो आपका ये सोना है AU. इस तरह से आपका जो ये आंसर इसमें पूछा गया है सबसे अधिक अभिक्रियाशील तो कॉपर हो जाएगा. इसका आंसर ए हो जाएगा. तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करने हेतु चैनल को निश्चित सब्सक्राइब कर लीजिएगा. सब्सक्राइब करते ही जो बगल में घंटी के निशान दिखेगी उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लीजिएगा ताकि आपको हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट मिलती रहेगी. तो 29 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं चूना जल का रासायनिक सूत्र जो है वो होता है. तो चूना जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो है आपका CaOH2. जब आपको CaO कली चूना में जिसको आप कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं तो इसमें जब जल मिलाया जाता है तो CaOH2 बन जाता है जिसको लाइम वाटर भी कहा जाता है. तो डी हो जाएगा चूना जल का रासायनिक सूत्र CaOH2. उसके बाद 30 नंबर प्रश्न है कि कोई विलयन जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसका pH मान क्या होगा. देखिए जो क्षारीय पदार्थ होता है वो किसी मतलब लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका pH मान 7 से अधिक होता है. जो उदासीन विलयन होता है उसका एग्जैक्ट 7 होता है. जो अम्लीय विलयन होता है उसका 7 से कम होता है और क्षारीय का 7 से अधिक. तो 7 से अधिक यहाँ दो ऑप्शन है एक 11 है एक 10 है. तो ऑप्शन नंबर डी होगा ए और बी दोनों होगा. कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान 7 से अधिक होगा अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा. 31 नंबर प्रश्न है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने
सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो पता होगा आपको एल्काइन का जो अनुसूत्र होता है सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। तो इसमें जो आपका सहसंयोजक कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो कार्बन कार्बन के बीच तीन सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा तीन, ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी में है, तो तीन सहसंयोजक बंधन हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच कभी भी चार बॉन्ड बनेगा ही नहीं, क्योंकि कार्बन तो अपने आप में चार बॉन्ड के साथ जुड़ा ही रहता है, जिसके साथ कोई अदर एटम भी आएगा, हाइड्रोजन आएगा या फिर कोई और आएगा, तो कार्बन कार्बन के बीच मैक्सिमम तीन ही बॉन्ड बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद कहता है ग्लूकोज का आण्विक सूत्र क्या है। तो देखिए, जब आप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की, तो उसमें आपको पता होगा ग्लूकोज बनता है, जिसका अनुसूत्र होता है C6H12O6। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे फिर देख सकते हैं 33 नंबर प्रश्न है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो उच्च वसीय अम्लों के जो सोडियम लवण होते हैं उसको साबुन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो देखिए, जिसके साथ CHO लगता है वो एल्डिहाइड अभिक्रियाशील मूलक होता है, तो CH हो जाएगा एल्डिहाइड। अगर एल्कोहल रहेगा तो एल्कोहल में ऐसे करके OH लगा रहेगा, अगर OH का पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा एल्कोहल। और उसी प्रकार आप देख सकते हैं कीटोन का पूछा जाएगा तो CO होगा, CO कीटोन का होता है, तो ये आपको याद रखना है। 35 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु संख्या क्या होती है। तो तत्वों की परमाणु संख्या बाएं से दाएं जाने पर घटती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो देखिए, बढ़ते क्रम में जो हो जाएगा लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद कार्बन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, उसके बाद फ्लोरिन आता है। तो ये एक ऑर्डर ही है जो बाएं से दाएं की ओर होती है। तो ऐसे ही होगा, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरिन, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है एक सही ऑर्डर है अधातु गुण के अनुसार। 37 नंबर प्रश्न है कि सिलिकन क्या है। तो सिलिकन जो है एक मेटलॉइड है, अर्थात उपधातु है। इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसको उपधातु कहा जाता है, मेटलॉइड। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। तो आपको पता होगा सोडियम, कैल्शियम, ये सब जो है विद्युत धनात्मक तत्व होता है। सोडियम पे होता है Na+ होता है, मतलब सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करके पॉजिटिव चार्ज ग्रहण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर जाएगा। बाकी आपको पता होगा क्लोरीन Cl- होता है, इसके बाद मतलब जो आपका कार्बन है, फॉस्फोरस, ये सभी ऋणात्मक तत्व है, विद्युत ऋणात्मक तत्व, तो सोडियम हो जाएगा विद्युत धनात्मक तत्व। 39 नंबर प्रश्न है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो उत्तराखंड में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं। तो किरोसिन में डुबाकर जो है सोडियम को रखते हैं, सोडियम, Na, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सोडियम। फिर आगे है 41 नंबर प्रश्न की अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक का मतलब होता है डिटर्जेंट, जो आप लोग सर्फ यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं, इजी सर्फ यूज़ करते हैं, ये सभी जो है डिटर्जेंट का बना होता है। तो अपमार्जक से बनाए जाते हैं सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो सौर सेल में जो है वो सिलिकॉन का उपयोग होता है, सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो देखिए, खाना बनाने वाले ईंधन में सबसे पहले होता है किसका उपयोग है, तो LPG का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कोयला का भी होता है और बायोगैस का भी होता है। लेकिन CNG का प्रयोग वाहनों को चलाने के लिए किया जाता है, CNG गैस जो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो इसका प्रयोग जो है खाना बनाने में नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है कि 2Cu+O2 = 2CuO है। तो कहता है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए, इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तब 2CO बना है, 2CuO बना है, मतलब कॉपर ऑक्साइड बना है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा वो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो संतुलित का मतलब होता है कि जो आपका रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है, मतलब अभिकारक और प्रतिफल जो होता है, अगर दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान होगी तो वो संतुलित समीकरण होगा, और अगर समान नहीं होगी तो संतुलित नहीं होगा। अगर ए में बात करें, देखिए, हाइड्रोजन की संख्या 2 इधर है और क्लोरीन इधर 2 है, तो आप दाएं साइड भी देखें तो यहाँ देखिए 2HCl लगा है, मतलब हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है, तो ये तो संतुलित है, लेकिन पूछा गया संतुलित कौन नहीं है। तो बी में आप देखिए PbNO32, मतलब PB जो है ये 2 है, NO3 जो हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए PB 1 है,
और यहाँ पे दो होना चाहिए लेकिन एक ही है और आगे है भी नहीं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। ये जो है संतुलित नहीं है अर्थात असंतुलित रासायनिक समीकरण है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सी डी में जब आप मिलाएंगे तो सभी में तत्वों की परमाणु संख्या दोनों ओर समान है। आगे फिर 46 नंबर प्रश्न है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो देखिए जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका पीएच मान एक्यूरेट 7 होता है, मतलब एग्जैक्ट 7, तो 7 होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल जो होता है ये आपका एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड होता है, CH3COOH, जिसको फॉर्मिक एसिड इसी को कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का। उसके बाद है आगे प्रश्न क्रायोलाइट अयस्क है, तो क्रायोलाइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है कि पोटासियम की परमाणु संख्या होती है, तो पोटासियम की परमाणु संख्या आप सभी को बता गा पोटासियम की जो होती है वो 19 होती है, 19 पोटासियम की परमाणु संख्या 19 होती है, पोटासियम के बाद शायद कैल्शियम आता है जिसका 20 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पोटासियम की परमाणु संख्या होती है 19। इसको आप याद रखिएगा, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, तो इस तरह से आप याद करेंगे तो आप देखेंगे कि पोटासियम जो है 19 नंबर पे आता है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। 50 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है फॉर्मिक अम्ल का मतलब CH3COOH, तो कहता है इसका IUPAC नेम क्या होता है, तो देखिए CH3COOH है ना, तो 50 में आप देखिए CH3 तो COOH तो आपका अभिक्रियाशील समूह है, लेकिन कार्बन की मात्रा यहाँ पे देखिए तो एक ही है जिसको मिथ कहा जाता है, एक होगा कार्बन तो मिथ, दो होगा तो इथ, इस प्रकार से मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऐसे करके याद रखना है, तो ये मिथेनोइक अम्ल हो जाएगा, मिथेनोइक अम्ल ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था आपके अंतिम प्रश्नों का उत्तर, बाकी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप 51 नंबर का उत्तर दे पाएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होगा। मैंने आपको बता दिया हूं कि अल्कोहल जो है OH लगा के रहता है, लेकिन इथाइल अल्कोहल पूछा गया है, तो मिथाइल में एक कार्बन होगा, इथाइल में दो कार्बन होगा, तो आप लोग सोच समझ के इसका जो है आंसर कमेंट करिए। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा उसमें 51 से लेकर जो 80 तक का प्रश्न है उसका उत्तर बता दूंगा। तो बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में आगे आने वाले क्वेश्चंस के आंसर के साथ, तब तक लेते हैं अलविदा। जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।